करीब दो महीने का वक्त बीतने को है और देश भर में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूर अपने घर वापसी के लिए मजबूर हो गए हैं। अब दिल्ली और हरियाणा से पैदल चलकर भारी संख्या में प्रवासी मजदूर नोएडा पहुंचे हैं। इन मजदूरों को फिलहाल नोएडा पुलिस शेल्टर में भेज रही है, जहां रहने और खाने का बंदोबस्त है। इनफैक्ट ज़्यादातर लोग दिल्ली और हरियाणा क्रॉस करके और हमारी सीमा में आ जा रहे हैं। इनफैक्ट जो हमारे बॉर्डर पॉइंट्स हैं, उन बॉर्डर पॉइंट्स पे हम लोगों ने सारी व्यवस्था कर रखी है। जो लोग भी वहाँ से पैदल आ रहे हैं, उनको हम लोग इमीडिएटली हमारे यहाँ जो शेल्टर होम्स हैं, उन शेल्टर होम्स में उनको हम लेके जाते हैं और वहाँ से व्यवस्थित तरीके से उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचा रहे हैं। नोएडा प्रशासन इन मजदूरों को उनके घर भेजने की तैयारी में जुट गया है। बताया जा रहा है 5 विशेष ट्रेनों से इन मजदूरों को जल्दी ही उनके गंतव्य तक भेजा जाएगा। इसमें हमारी जो मोबाइल टीम लगी हुई है, ये मोबाइल टीम लगातार उनकी देखभाल कर रही है और ऐसे लोगों को हम लोग फिर पुनः हमारे जो शेल्टर होम्स हैं वहाँ ले जा करके व्यवस्थित करते हैं। उसके बाद अपने यहाँ वाहन की व्यवस्था करके उनको गंतव्य तक पहुँचा रहे हैं। तो इस प्रकार जो लोग हमें इस तरह से पैदल घूमते हुए मिल रहे हैं, उनका पूरा ख्याल किया जा रहा है और हम लोग उनको शेल्टर होम्स में पहले व्यवस्था करके और फिर उनको हम आगे गंतव्य तक भेज रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास सिलवाई दादरी रेलवे स्टेशन पहुंचे और प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। डीएम के साथ मौके पर डीसीपी, एडीएम और रेलवे विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी,